बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़हीर अब्बास ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। किंगडम वैली के जी ब्लॉक से बराह रास्त इस वक्त खड़ा हूँ, जी ब्लॉक स्ट्रीट नंबर 2A, ठीक है। मेन बुलेवार्ड जो है ये आ रही है जनाब, ये वाली आप देख रहे हैं। मेन बुलेवार्ड से ये आते आते सारा रोड कच्चा है, लेकिन स्ट्रीट लाइटें जो है स्ट्रीट नंबर वो लगा दिए गए हैं, ठीक है। ये देखें जी ब्लॉक स्ट्रीट नंबर 8, स्ट्रीट नंबर 7, स्ट्रीट नंबर 6, इसी तरह 5, 4, 3, 2 इस तरह। और ये जो जितना एरिया है ये वाला आपको नज़र आ रहा है गो के कच्चा है, ठीक है। यहाँ पे दो मेन काम होने हैं अभी, एक सीवरेज डलनी है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है। कम से कम ये हो गया कि जिनके प्लॉट जी ब्लॉक में आएंगे उनको एरिया डिक्लेयर हो गया है कि आपका ये वाला एरिया पुरसकून एरिया, ठीक है जी। ये हमने अभी यही सवाल किया है मैनेजमेंट के जो यहाँ पे लोग थे कि भाई थोड़ा काम को तेज़ कर लें ताकि हमारे जो क्लाइंट हैं वो इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को खुश हों, ताकि वो इंस्टॉलमेंट जिन्होंने पे किए हैं, जिनको ये टेंशन बनी हुई है कि पता नहीं क्या बनेगा, वो थोड़े से कूल डाउन हो जाए। उन्होंने कहा जी बारिशों की वजह से हम यहाँ पे काम नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि कटिंग एक दफ़ा करें और एक ही दफ़ा बड़ी मशीनें मंगाएं, और रोड बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। रोड हमने रातों रात बना देने हैं। और मैं ये एक चीज़ और देख रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई है कि गलियां इसने बॉडी खुली रखी हैं, जबकि पुराने अगर देखा जाए तो वहाँ पे स्ट्रीट जो थी 18 फुट 20 फुट 30 फुट की थी, 18-25 तक थी। ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रीट साइज, और ये कोई मेन बुलेवार्ड नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें इन्होंने लिखा हुआ भी है कि प्लॉट नंबर 449 से 459 तक और 464, यानी कि इस में सिर्फ 10 प्लॉट होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। इसी तरह वोट स्ट्रीट हम देख रहे हैं वो भी बहुत बड़ी है, उससे आगे वाली स्ट्रीट वो भी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये एरिया जो है जी ब्लॉक वालों के लिए मुख्तस किया गया है। अच्छा होता कि मैप दे देता, क्योंकि रीसेल किसी भी प्रोजेक्ट में रीढ़ की हड्डी होती है, अगर इसकी रीसेल शुरू हो जाती है तो वारे न्यारे हो जाएंगे क्लाइंट के भी और सोसाइटी के भी, और नाल साड़ी भी दाल रोटी चलती रहसी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम साइड से बराह रास्त हैं, हम चाह रहे थे कि जो हमारा काम है, जो हमारा ड्यूटी लगी हुई है, उसको हम भरपूर तरीके से निभाएं, और वो निभाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अब आगे चलेंगे आई ब्लॉक की तरफ और आई ब्लॉक वालों की साइड दिखाएंगे कि वो कहाँ पे आएंगे। बहुत शुक्रिया।